तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ड्राइविंग से और यहाँ के काम धाम के रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ। आज एक ऐसी जानकारी दूंगा आपको कि जान करके हैरानी होगी, और लेकिन कुछ लोग जो है सऊदी के रहने वाले हैं, जो सऊदी रह चुके हैं उनको हो सकता पता हो, लेकिन जो नहीं रहे हैं वो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो भी जान लें कि यहाँ पे एक ऐसा भी सिस्टम है जिसको आप लोग सुनेंगे तो सोचेंगे और बोलेंगे कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ नमन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नमन जलालपुर। दोस्तों जितने भी लोग नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को इस जानकारी का फायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों आज हम जो है, अभी दो तीन दिन पहले हमारी बड़ी वाली जो कफिल की बड़ी वाली लड़की है उसकी शादी हो गई है, तो उसका जो है डिलीवरी था, तो डिलीवरी था तो उसमें लड़का पैदा हुआ, तो दो दिन से वही आना जाना लगा हुआ था, काफी बिजी था मैं। तो जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में जब शादी होता है तो सबको एक साल बाद सबको ये फिक्र होने लगती है कि एक लड़का पैदा हो जाए तो अच्छा रहे। वैसे यहाँ भी होता है, सब लोग सोचते हैं कि भाई लड़का पैदा हो जाए एक तो अच्छा है, लेकिन इंडिया के सोच से और यहाँ के सोच से बड़ा फर्क है। इंडिया के कल्चर से यहाँ के कल्चर में बड़ा फर्क है। शादी विवाह और लड़का लड़की के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इंडिया में क्या होता है, अभी तो फिलहाल सच्चाई तो यही है, मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो लोग सोचते हैं उनको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, और जो नहीं सोचते लगभग अभी भी 90% लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ वही सोचते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब इंडिया में शादी होती है तो लड़के के घर वाले एक साल बीतता है तो उसको बोलने लगते हैं कि लड़का नहीं पैदा हो रहा है, लड़का नहीं पैदा हो रहा है, तो वो बहुत लोगों का मन रहता है कि थोड़ा और गैप दे करके पैदा करें, भाई पैदा तो करना ही है, वंश को आगे बढ़ाना ही है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है कि थोड़ा लेट, मतलब अपना एंजॉय करते हैं, घूमते टहलते हैं, सोचते हैं कि अभी क्या जरूरत है लड़का बच्चा पैदा करने की, अभी थोड़ा घूम टहल लें। लेकिन जब भी बात आती है कि लड़का पैदा होना ही चाहिए तो फिर नंबर लगाते हैं, उसके बाद जब जिस दिन लड़का पैदा होना होता है तो लड़का पैदा होता है तो ठीक है, लड़की पैदा होती है तो भी ठीक है, फर्स्ट सेकंड, लेकिन जब थर्ड में अगर फर्स्ट में अगर मान लीजिए लड़की पैदा हो गई तब तो ठीक है, लोग बहुत खुश होते हैं, सेकंड में होती है तब भी सोचते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब थर्ड में होती है तो उनकी ये उम्मीद रहती है कि अब की बार लड़का ही हो तो ठीक है। लेकिन अगर देखिए, मैं जो बात करता हूँ, जो बात बताता हूँ वो एकदम परफेक्ट बताता हूँ, बाकी बहुत लोग अभी इसमें कमेंट कर सकते हैं कि नहीं ये बात सही नहीं, लेकिन मैं 100% बताता हूँ यही सही है। अभी भी बहुत लोगों की मानसिकता यही है, मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैं घुमा फिरा करके या चापलूसी वाला कोई काम कोई बात नहीं बताना चाहता, मैं जो है परफेक्ट वही दिल की बात बताता हूँ कि लोग सोचते क्या है, लोगों के मन में क्या होता है। अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ की बात करूंगा तो बताऊंगा कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो तीसरी बार जब लड़का पैदा होता है तो काफी धूमधाम से खुशियां मनाई जाती है, काफी पार्टियां वगैरह लोग करते हैं, लेकिन तीसरी बार भी अगर लड़की पैदा होती है तो लोग मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, कि क्योंकि बहुत लोगों के मन में यह रहता है कि लड़कियां जो होती है बोझ होती है। मान लीजिए एक लड़की है ठीक है कोई बात नहीं, दो लड़की है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तीन हो गए और लड़का नहीं पैदा हो रहा है तो वो लोग सोचते हैं कि अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अभी भी इस चीज से आप एग्री हो चाहे ना हो, लेकिन सच्चाई यही है। तो होता क्या है कि वो लोग फिर अपना इधर उधर कुछ भी करते हैं, लड़का पैदा करते ही है, उसी के चक्कर में हमने देखा है कि 10-10 लड़कियां हो जाती हैं,
और बहुत लोग समझदार हैं जो कि एक दो लड़कियां पैदा करते हैं उसके बाद कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जैसे लड़का वैसे लड़की। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि लड़कियां लड़कों से अच्छा, आपको लड़के क्या होता है, लड़के पैदा होते हैं तो वो अपने पत्नी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा मान सम्मान देते हैं, बाकी माँ बाप को भूल ही जाते हैं। ये मैं 50% लड़कों की बात बता रहा हूँ, 50% सही भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब उनकी शादी होती है, उनकी बीवी आती है, अगर ठीक ठाक मिल गई, घर परिवार ठीक ठाक मिल गया तो ठीक है, लेकिन जरा सा भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो लड़की बोलेगी हमको अलग रखो, ये है वो है, हम तुम्हारे मम्मी पापा को माँ बाप को नहीं खिला पाएंगे, नहीं पिला पाएंगे, ये सब चीज आज लड़के को झेलना पड़ता है। लेकिन उसी जगह अगर लड़की होती है तो वो मान लीजिए उसका कोई भाई नहीं, यानी आपके पास अगर कोई लड़की ही लड़की है तो वो पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेगी आपकी सेवा करेगी। क्योंकि लड़कियों में वो संस्कार होता है, उनको भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि वो अपने माँ बाप को ज्यादा ही मान सम्मान देती है लड़कों की अपेक्षा। कुछ लड़के होते हैं जो देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लड़कों को बुरे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ जो चल रहा है। तो ये हो गई, और उसके बाद फिर शादी विवाह में खर्च दुनिया भर का, और सबसे हमारे देश में सबसे ज्यादा कलंक ये भी है कि लड़की की अगर शादी, एक तो पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया से, उसमें खर्चा भी खूब करो, उसके बाद जब शादी करना है तो उसमें जितना जिस पोस्ट पे लड़की रहेगी या जितना पढ़े लिखी रहेगी उसके हिसाब से फिर उसके लिए लड़का भी ढूंढना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर उसको दान दहेज भी देना पड़ता है। देखो मैं जो भी बात करता हूँ एकदम परफेक्ट कहता हूँ, ये 100% सत्य है, उतना हिसाब से ही दहेज देना पड़ता है, और देते हैं लोग, घर वगैरह बेच करके देते हैं लेकिन देते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है कि बहुत कुछ गिरवी रख करके देते हैं, तो इसी वजह से उनको टेंशन होता है। बाकी कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने मर्जी से शादी करती हैं, वो भी सही है। तो ये हो गई इंडिया की बात, मगर अब बात करते हैं सऊदी में। सऊदी में इसका ठीक उल्टा है, यहां पे अगर लड़कियां पैदा होती हैं तो लोग पार्टी वगैरह करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। वही लड़का पैदा होता है, एक दो लड़का पैदा होता है तो भी ठीक है, खुश होते हैं, लेकिन अगर लड़की नहीं पैदा होती तो मायूस होते हैं। यहाँ पे लड़कियों को ज्यादा मान सम्मान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वहां के लोग पैसे वाले हैं इसलिए जो है मान सम्मान देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात गलत आप सोच रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम क्या है, जैसे आप अपने यहाँ किसी लड़की की शादी जब करते हैं तो दहेज में सामान मिलता है, लड़की वाले दहेज देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सऊदी में, मैंने तो कई शादियां अटेंड की यहाँ पे शादियों में, यहाँ की मैं पूरी कल्चर की पूरी बात बता दूंगा आज इसी वीडियो में। यहाँ पे जब लड़के की शादी होती है तो लड़के वाले बहुत सारा रुपया पैसा जितना वो लोग डिमांड करते हैं, जिस हिसाब से खूबसूरत लड़की होती है, वो चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे ना, उससे नहीं मतलब यहाँ पे, वो खूबसूरती के हिसाब से, जितना खूबसूरत रहेगी जिस हिसाब से रहेगी उसी हिसाब से यहाँ के लोग उसको रुपया पैसा देंगे, ठीक है। रुपया पैसा देंगे का मतलब ये नहीं कि 10-5 हजार, नहीं, लाख दो लाख, लाखों में पैसा देते हैं। और शादी करने का यह सिस्टम बहुत यूनिक है, यहाँ पे शादी ऐसे नहीं होती पंडित को बुलाया ये कर दिया, नहीं, यहाँ पे कोर्ट मैरिज होती है, ठीक है। कोर्ट मैरिज में ये शर्त होता है कि लड़के के पास खुद का घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए और नौकरानी होनी चाहिए, तभी शादी होती है लड़की की। तो दोस्तों लड़की की शादी लड़के के साथ हो गई, ठीक है। जिस दिन शादी हुई उसी दिन से माँ बाप से सिर्फ नाम का रिश्ता रहता है, बाकी उसी दिन माँ बाप लड़के को अपने अलग कर देते हैं, भैया जाओ अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपने घर पे अलग रहो। फिर लड़का क्या करता है, हालांकि पहले से ही अगर घर वगैरह बनाया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको कई वीडियो में बताया हूँ कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा लोग किराए पर ही मकान लेकर के रहते हैं, तो ये लोग जो है फिर मकान जो है किराए पे लेंगे, वहां तब तक रहेंगे जब तक इनका खुद का घर नहीं हो जाता, उसके बाद किराए पे रहेंगे फिर धीरे धीरे। लेकिन शादी करने के जस्ट तुरंत बाद ही इनको ड्राइवर और नौकरानी तुरंत चाहिए ही चाहिए हर हाल में। उसके बाद
फिर अपना ये ड्राइवर मंगाएंगे शादी करने के पहले ही मंगा लेते हैं कुछ लोग तुरंत बाद ही मंगाते हैं, और फिर नौकरानी आएगी फिर, ताकि लड़की जो होती है उसको कोई काम करना ना पड़े। यहाँ लड़कियों की ये हाल है, तो इसलिए यहाँ पे जो है लड़कियों को इतना मान सम्मान देते हैं कि लड़कियां इनकी प्रॉपर्टी है, जितनी लड़कियां उतना ज्यादा पैसा यहाँ पे है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि दहेज लड़के वाले देते हैं, एक चीज जान लीजिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, अच्छी है कि क्या है, कैसे, जो भी है कमेंट में बताइएगा। जो यहाँ की सच्चाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ही पैदा करना पसंद करते हैं, लड़के कम, लड़के एक दो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं पसंद करते। हालांकि बहुत लोग हैं जिनको पांच लड़की तो पांच लड़का ऐसे ऐसे दर्जनों के हिसाब से रहते हैं उनके घर में, तो उनके घर में जो ड्राइवर आता है वो बड़ा परेशान रहता है। तो दोस्तों यही थी आज यहाँ की जानकारी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी वाली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मिलते हैं।